सो हे गाइज, तो कैसे हो आप लोग? आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो पर। तो गाइज, अगर चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ प्राइस एक्शन से रिलेटेड। सो गाइज, अभी देख लेते हैं यहाँ से मार्केट जो है एक अप ट्रेंड पर है, बायर्स का मोमेंटम चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाने की शुरुआत यहाँ पर है। तो गाइज, अभी देख लेते हैं यहाँ पर मोमेंटम चल रहा है अभी सेलर का। दो ही कैंडल्स आई हैं ग्रीन की और वो वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं ऊपर की साइड, और ऊपर से देखा गया है कि मार्केट में एक शूटिंग स्टार का कैंडल स्टिक भी हमें देखने को मिला है। एंड अभी वेट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, बायर्स एक सपोर्ट से भी स्ट्रॉन्ग बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस, अभी देख लेते हैं, मार्केट में अप ट्रेंड है और यहाँ पर मार्केट में एम पैटर्न की भी शुरुआत की जा रही थी। ओके, कैंडल्स को जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, कैंडल्स ने वहीं पर क्लोजिंग की है। तो वहाँ से मैं अपनी पुट डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ गाइस। एंड अभी इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं, कहाँ पर ये क्लोजिंग कर रहे हैं। बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर की ओर गए हैं गाइस। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वहीं पर मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रख दिया है। एंड लेट्स सी गाइस, अभी वेट करते हैं इसकी क्लोजिंग का। एंड बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अभी वो कैंडल अपनी बनाए हैं एक सपोर्ट से, और मार्केट में फिलहाल अभी अप ट्रेंड है, तो कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। बट अभी देख लेते हैं, कैंडल को स्ट्रांगली रोका गया है उस रेजिस्टेंस के नीचे, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है डाउन डायरेक्शन की ओर। तो गाइस, वेट करते हैं अभी इसकी क्लोजिंग का, एंड फिर अगले पेयर पर हम देखेंगे। एक ही पेयर पर ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। ओके, तो लेट्स सी गाइस, अभी वेट करते हैं इसकी क्लोजिंग का। एंड यह कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गई है। ओके, तो ये लॉस हो चुका है गाइस। दूसरा पेयर देख लेते हैं। ओके, इसमें अभी अप ट्रेंड है, तो हमें बायर का ही साथ देना था। ओके, दूसरा पेयर देख लेते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, यह है मेजर ट्रेंड थोड़ा अप था यहाँ पर। ओके, और अभी के लिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है, लो के नीचे लो लग रहे हैं गाइस। एंड यहाँ पर डाउन की ही अपॉर्चुनिटी हम लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पहले देख लेते हैं मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, मतलब कि इस पॉइंट से बायर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, बट बायर्स जो हैं वो रिट्रेसमेंट तो बन रहे हैं गाइस। यहाँ से बायर हो सकता है कि ऊपर चली जाए, बट हमें यहाँ पर ट्रेंड डाउन दिख रहा है और टारगेट भी नीचे, तो डाउन की अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं अपनी दो ट्रेड पुट की प्लेस करना चाहता हूँ गाइस। यहाँ पर बायर तो इंटरेस्टेड है, कैंडल की क्लोजिंग भी एक सपोर्ट पर है, बट वहाँ पर बायर सेलर यहाँ पर मार्केट में हैं, वो लो लगाने के लिए हैं मार्केट में। ओके, तो यहाँ से मैंने अपनी दो ट्रेड पुट की प्लेस की है गाइस। पिछली ट्रेड मेरी यहाँ पर लॉस थी। ओके, जो मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी वो लॉस थी, और यहाँ से मैंने अपनी दो ट्रेड प्लेस कर दिया है। अगर मुझे और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करूँगा। ओके, वेट करते हैं अभी इसकी क्लोजिंग का। ओके, यह ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है गाइस, और यहाँ पर भी यह कैंडल भी एक रेड कैंडल ही बनेगी गाइस। अगर मुझे गुड मार्जिन सेफ्टी मिलता है तो यहाँ पर भी मैं अपनी एक पुट की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ओके, मुझे गुड एंट्री पॉइंट चाहिए। ओके, यहाँ से मैंने अपनी पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है गाइस। एंड बने रहना वीडियो के अंत तक। एग्जैक्ट मैंने ओपनिंग प्राइस पर ही ट्रेड लगाई है, ताकि अगर लॉस वॉस वो डोजी कैंडल बने तो रिफंड हो सके मेरी ट्रेड। तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग प्राइस पर ही ट्रेड लगाया है। एंड इसके बाद हम अगली पेयर पर चलेंगे। एंड यहाँ पर देख लेते हैं यह कैंडल कौन सी बनने वाली है। वैसे तो रेड बनना चाहिए था इस कैंडल को। ओके, अभी वेट कर लेते हैं, 15 सेकेंड बचे हुए हैं कैंडल के क्लोजिंग होने में। ओके गाइज, यह कैंडल एक डोजी कैंडल बन चुकी है। अगर और भी अगर मार्जिन सेफ्टी मिलता तो ट्रेड शायद मेरी विन हो जाती। ओके, वैसे तो कैंडल को रेड बनना था,
बट देखा जाए तो सपोर्ट था वहाँ पर, आप देख सकते हो वहाँ पर सपोर्ट है। ओके, किंडल की ग्रीन किंडल की लोअर विक थे और पीछे भी वो लेवल था गाइस। ओके, इसी वजह से वो किंडल यहाँ पर डोजी बनी है। दूसरे पेयर पर चलते हैं। ओके, यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड मार्केट है और यहाँ पर अभी सेलर का मोमेंटम है एंड बायर यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। यहाँ पर रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है एंड सेलर का टास्क है नीचे जाना। ओके, तो यहाँ पर बायर्स ऊपर नहीं जा पाए हैं जबकि सेलर रिट्रेसमेंट बन गए थे। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए दोनों पार्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से मैं अपनी एक पुट की ट्रेड लगा देता हूँ गाइस एंड अभी भी जो सेलर का टास्क है वो नीचे जाना है बट यहाँ पर मार्केट रेड ग्रीन पर है तो लॉस भी हो सकता है बट इनका टारगेट है कि लो लगाया जाए। तो अभी देख लेते हैं गाइस, इनका टारगेट है यहाँ तक आना एंड जहाँ पर मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ है वहाँ तक आना है। इनका टास्क है सेलर का क्योंकि बायर भी रिट्रेसमेंट बन रहे हैं गाइस और देखा जाए तो यहाँ पर सेलर का अभी मोमेंटम है तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने सेलर का साथ दिया है एंड इसकी क्लोजिंग के बाद हम अगली पेयर पर चलेंगे। ओके, इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं गाइस। अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लिया जाएगा। यह कैंडल एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है तो दूसरे पेयर पर चले लेते हैं अभी। ओके गाइस, यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम है और बट अभी यहाँ पर देखा जाए तो एक एम पैटर्न की शुरुआत हमें दिख रही है कि एम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर अभी डाउन की अपॉर्चुनिटी लेंगे क्योंकि यहाँ पर बायर भी अपनी तो जो भी ट्रेड होगी वो डाउन की अपॉर्चुनिटी लेंगे। यह मार्केट का नेकलाइन है। ओके, अभी देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ करवा रहे हैं। ओके, लेफ्ट लेग में हमारे पास अभी गैप डाउन का लेवल है। ओके गाइस, यहाँ से मैंने अपनी पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है एंड कैंडल ने गैप अप किया है एंड गैप अप किया है नीचे का लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए। वहाँ पर नेकलाइन भी है एंड नेकलाइन के साथ साथ लेफ्ट लेग में हमारे पास गैप डाउन का भी लेवल था तो कैंडल को प्रॉब्लम वहीं पर थी जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ है। यहाँ पर गैप डाउन का लेवल है, कैंडल ने गैप अप किया है वो इसका ब्रेकआउट करने के लिए ही किया है। तो लेट्स सी गाइस, अभी देख लेते हैं यहाँ पर कैंडल नीचे आती है या फिर ग्रीन। सो गाइस, वह ट्रेड मेरी यहाँ पर लॉस हो चुकी है। कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन चुका है एंड ग्रीन बनने का कारण मुझे यहाँ नहीं पता है। ओके, बट अभी यहाँ पर अपन इसको रिकवर कर लेते हैं जो अभी अभी लॉस हुआ है इस ग्रीन कैंडल पर। कैंडल को वैसे तो रेड बनना चाहिए था, उन्होंने गैप अप किया था उसका ब्रेकआउट करने के लिए बट कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, यहाँ पर हम यहाँ पर रिकवर कर लेंगे अभी। ओके, तो लेट्स सी गाइस, अभी इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। ओके, यहाँ से मैंने अपनी पुट डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लेस की है गाइस क्योंकि अभी मार्केट को नीचे ही आना है और उसका ब्रेकआउट करना है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने अभी दो ट्रेड फिर से प्लेस कर दी है, पुट डायरेक्शन की एमटीसी की ट्रेड प्लेस की है एंड अभी इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं कहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ पर अभी देखा जाए तो बायर्स ने इंगल्फ किया है सेलर को एंड बट यहाँ पर मार्केट में एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है तो लाइक सेलर को आना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और जो अभी अभी एक आपको हैमर कैंडल दिख रहा होगा पिनवर कैंडल, उसने हमें बायर की पोजीशन यहाँ पर
सो कीजिएगा, इसकी बायर्स नीचे अवेलेबल हैं। एंड तो लाइक मैंने यहाँ से दो ट्रेड प्लेस की है पुट डायरेक्शन की, एंड अभी देख लेते हैं जो बायर आए थे वो रिट्रेसमेंट बन गए थे गाइस, जो पिछली कैंडल्स यहाँ पर डार्क क्लाउड का पैटर्न बनाई है वो रिट्रेसमेंट बना चुकी है बायर्स को। ओके, यह कैंडल भी एक रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि अभी भी वो जो पोजीशन है बायर की वो नीचे है। वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो कैंडल तो निश्चित ही एक रेड कैंडल बनेगी, बट देखा जाए तो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो लेफ्ट लेग में गैप डाउन का लेवल था, बायर्स वहाँ पर वो एक तरह से सपोर्ट है। तो कैंडल तो रेड भी बन सकती है, बट यह एक सपोर्ट है तो कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर सोच रहूँगा कि यह कैंडल रेड बने, क्यों, क्योंकि बायर की पोजीशन भी अभी नीचे है और कैंडल की जो क्लोजिंग है एक सपोर्ट पर है, तो ये तो दोनों की पार्टी आ सकती है। दूसरा पेयर देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर अपनी बुद्धि यहाँ पर लगानी नहीं है हमें। ओके, ये लास्ट ट्रेड होगी क्योंकि ये लास्ट पेयर है मेरा, एंड इसके बाद अपन क्लोज कर देंगे। ये मार्केट का अभी लोअर हाई है, ओके, लोअर हाई है मार्केट का। तो गाइस यहाँ पर अभी देखते हैं यहाँ पर वो क्या रहा है। ओके, मैंने अच्छे से उसको लगाया नहीं, ओके, तो क्लियर लेवल लगा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए मेरे को, नहीं तो फिर तो गड़बड़ होगी। यहाँ पर बायर्स अभी ऊपर जा रहे हैं, ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है, बायर्स का मोमेंटम है। एंड अभी देख लेते हैं, वो अभी हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाए हैं और सेलर्स आ रहे हैं। ओके, बायर्स हमें स्ट्रॉन्ग तो बताए हैं यहाँ पर, बट वो अपने विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, जो मार्केट में एक शूटिंग स्टार का कैंडल स्टिक बना हुआ है आपको दिख ही रहा होगा मैं किस कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। ये वाली कैंडल स्टिक वो एक मार्केट में शूटिंग स्टार है, कलर मैटर नहीं करता है। एंड यहाँ पर अभी डार्क क्लाउड का पैटर्न यहाँ पर बनते हमें दिख रहा है गाइस। एंड लेट्स सी, अभी इसको रिजेक्शन आई है नीचे से। ओके, कैंडल्स ने यहाँ पर गैप डाउन किया है, तो लाइक वेट करते हैं अभी, जब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि मार्केट अभी बायर्स का मोमेंटम है, अब ट्रेंड मार्केट है, हाई के ऊपर हाई लग रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड्स यहाँ पर प्लेस करूँ, एक ही ट्रेड लेना है, इसके बाद अपन को निकलना है मार्केट से। ओके, तो वेट करते हैं अभी इसकी क्लोजिंग का, एंड उसके बाद ही ट्रेड करेंगे हम। ओके, अगली कैंडल 100 ट्रेड पर ही लेंगे हम, अगर कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाए जहाँ पर अभी कैंडल है। ओके, तो अभी देखते हैं। ओके, बायर पुश तो कर रहे हैं गाइस। ओके, इसकी क्लोजिंग देखते हैं। ओके, तो अगली कैंडल पर मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड करने वाला हूँ। ओके ओके, अभी देखते हैं गाइस, यह कैंडल एक रेड कैंडल भी बन सकती है। ओके, बन ही सकती है, तो वेट करते हैं गाइस। मैं जो अभी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है उसके नीचे से ही ट्रेड मैं यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दिया है, एंड बायर तो अवेलेबल है, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग करवाई गई है पिछली कैंडल की वो सेलर ने करवाई है। ओके, तो कैंडल रेड भी बन सकती है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने मार्जिन सेफ्टी का यूज़ किया है। मैंने क्या बताया था गाइस कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी तो मैं ओपनिंग प्राइस पर ट्रेड करता, बट कैंडल्स ने उसका ब्रेकआउट किया है, इसी वजह से मैंने इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के लोअर विक के नीचे से मैंने ट्रेड लगाई है, ताकि अगर कैंडल रेड भी बने तो मेरी ट्रेड यहाँ पर विन हो जाए। ओके, टू कैंडल यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन सकते थे, इसी वजह से यहाँ पर मैंने ट्रेड किया है क्योंकि बायर्स का दबदबा है। तो चलो गाइस, यह ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।